हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवी रॉक्स टीम्स। तो हम आप लोगों के लिए आ गए भाई मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा नेशन लीग का आर्मेनिया वर्सेस नॉर्थ मैकडोनिया के बीच 1 घंटे 26 मिनट बाद। तो बात करूं भाइयों इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है ए बी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आगे की ओर। तो बात करूँ अगर मैं इस मैच की, तो प्रीवियस मैच में भाइयों सुबह से अल्ट्रा क्लीन स्वीप लग रही है। इवन मैं ये नहीं कह सकता कि आप सिंगल भी लॉस करोगे, लेकिन अभी जो एफबी का चल रहा है उसमें शायद कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन अभी तो यार 60 मिनट का मैच पड़ा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जितने मैचेस मैंने सुबह से दिए हैं सब में अल्ट्रा क्लीन से, इवन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सिंगल लॉस भी हुआ है। तो चलते हैं आगे। तो बात करो अगर मैं इस मैच की, तो यहाँ पे आपको एक मेन बात आप लोगों से बताना चाहूंगा कि इसमें जो एक टीम स्ट्रांग है भाई वो है आर्मेनिया। बिकॉज आर्मेनिया के पास 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिसके कि आपको भरोसा, जिस पे आप भरोसा कर सकते हो कि गोल करेगा। तो बात करूँ अगर मैं आर्मेनिया के टॉप के प्लेयर की, जिसका नाम है डेविड यूरचेंको को मैंने इसलिए चुना है बिकॉज MCD के शॉर्ट ऑन टारगेट मारने के चांस है। देखो शॉर्ट ऑन टारगेट बहुत बड़ी बात होती है, शॉर्ट ऑन टारगेट इसलिए क्योंकि जो टीम है मैकडोनिया, तो मैकडोनिया भी गोल करने की कोशिश करेगी, लेकिन डी यूरचेंको को इतना हल्के में मत लेना इस गोलकीपर को। देखो गोल कंसीडिड होगा, मैं ये नहीं कह रहा, आई थिंक 1-2 गोल वो भी कर दे, लेकिन जो जीतने के चांस है वो आर्मेनिया के, तो आई थिंक एंड में ही आपको क्लीन शीट भी दे सकता है। बात करूँ डिफेंडर की, तो यहाँ से लूँगा एक टॉप का प्लेयर जिसका नाम है होवेंस आर्मेनिया का टॉप का प्लेयर है। मतलब एक ये हो गया होवेंस, और नीचे से एक प्लेयर हो गया जिसका नाम है वी होरायन ने 8 सितंबर और 5 सितंबर के मैच में ठीक खेला था, लेकिन सर ये जो मैच था 8 सितंबर को इसमें इसको एक क्लीन शीट भी मिली थी, और अब क्लीन शीट के पॉइंट 20 पॉइंट मिलते हैं। तो एक तरह इस बंदे ने उस मैच में 60 अबव पॉइंट्स दिए थे अब के पॉइंट सिस्टम के हिसाब से। और वहीं से बात करूं मैं एक और प्लेयर की जिसका नाम है केर स्टेस्की, इसको मैंने लेना नहीं था पहले, तो मैंने इसको अपनी टीम में चुना भी नहीं। तो लेकिन जब मैं एनालाइज कर रहा तो मैंने सोचा दोस्तों कि अगर बाई चांस मैकडोनिया टीम जीत जाती है तो हमें बहुत भयंकर लॉस नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये प्लेयर ना हो तो एक भी प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है, दोनों टीम में से एक डिफेंडर होना बहुत ज़रूरी है। बात करूँ मिडफील्डर की, तो एच मैकटीरियन इज़ द मोस्ट पावरफुल प्लेयर इन इस टीम। ए आर्मेनिया में सबसे टॉप का मिडफील्डर अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तो मैं सबसे पहला नाम लूँगा एच मैकटीरियन का। देखो एक तो ये है मिडफील्डर फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड बात ये असिस्ट करने में भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आगे से बात करूँ ELMS की, तो ELMS MCD का एक नॉर्मल प्लेयर है, लेकिन 5 सितंबर के मैच में इसने परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त दी थी, 2 असिस्ट कर गया था। तो आगे से बात करूँ यहाँ सुनूंगा ELOSKI को, मैकडोनिया का ELOSKI, जो कि पिछला मैच भी इनका आर्मेनिया के साथ हुआ था, मैं आपको बताना भूल गया। पिछले मैच में इनकी टीम अच्छी खासी क्लीन शीट मारी थी, वैसी बात नहीं है, लेकिन देखा जाए ना तो यार ये दोनों टीम्स अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप किसी को एक को हल्की में नहीं ले सकते। तो आगे से बात करूँ यहाँ सुनूंगा एक और प्लेयर जिसका नाम है ए वेब मीनर को मैं आज तक ड्रॉप नहीं करता अपनी टीम में, मतलब ये लाइनअप में जब भी होता है मेरी टीम में ये आपको शॉर्टी के साथ दिखेगा। तो बात करूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड की, तो यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर्स का नाम है एलेक्जेंडर, जो कि प्रीवियस मैच नहीं खेला था, आई थिंक आज इसकी वापसी करवाएं, क्योंकि भाइयों आज अगर इन्होंने 2 प्लेयर में से अगर इसको खिला दिया, एक प्लेयर है जो मैं आपको पूरा समझवाऊंगा जिसका नाम है गौरन को नहीं खिलवाना चाहिए आज, मेरा हिसाब कह रहा है। देखो खेलेगा तो गोल भी कर देगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से खिलवाना चाहिए इनको एक प्लेयर को जिसका नाम है आई नेस्त्रोवोस्की के अंदर खासियत क्या है, ये बंदा गोल कर देता है, मतलब करता ही है, मैंने 90% नोट करा हुआ है कि ये बंदा गोल करता है। और मैं आज सच्ची में चाहता हूँ, अगर चाहता है ना कि अगर मैकडोनिया को जीतना है तो आई नेवरतोस्की को खिलवा लो, तब थोड़ा कुछ हो सकता है इनका, वैसे ये वरना लॉस की तरफ चली जाएगी टीम। तो आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एलेक्जेंडर को, एलेक्जेंडर का जो प्रीवियस मैच में इसने 1 गोल और 1 असिस्ट की थी, देखा जाए ना तो ऑल ओवर रिकॉर्ड दोनों टीम्स का बहुत ज़बरदस्त है। और आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा एक और प्लेयर जिसका नाम है टी बैरगियन, जो कि टी बैरगियन में ये प्लेयर ना सब्स्टिट्यूट आ गया था पिछले मैच में आर्मेनिया के साथ, और ये गोल भी कर गया उस दिन, मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा था, ये बात है भाइयों 5 सितंबर की जिस दिन ये मैच मैं कवर कर रहा था। तो ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स ने आके बहुत तंग कर रखा है, मतलब एक तो ना जो हमारे प्लेयर होते हैं वो 49 मिनट बाद निकल जाते हैं, बाद में 49 मिनट हमारी टीम इतनी डाउन जाती है, हमारी नहीं सबकी यार, ये सबके साथ है, क्योंकि बिना लाइनअप्स का प्लेयर कोई भी नहीं ले सकता, जो लोग ग्रैंड लीग खेलते सिर्फ वही लेते हैं। तो बात करूँ कैप्टन रहेगा मेरा एच मैकटीरियन एंड वाइस कैप्टन रहेगा एलेक्जेंडर। तो ये मेरी टीम, मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय, फाइनल टीम ग्रुप में पोस्ट हो जाएगी।